हे गाइस, कैसे हैं आप सब। तो गाइस, आज के वीडियो में हम रिव्यू करने वाला है मी रूम का जो लेटेस्ट पोर्ट बनाया है मैंने रेडमी नोट 4 के लिए उसका। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले दोस्तों, अगर आपने मेरी चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए फ्रेंड, स्टार्ट करते हमारा वीडियो। सबसे पहले दोस्तों, इस पर आपको मी रूम का लेटेस्ट अपडेट देखने को मिल जाएगा, यानी कि MIUI का जो भी लेटेस्ट बीटा वर्जन है वो आपको इस रूम पर मिल जाएगा। ये दोस्तों एंड्रॉयड पाई बेस्ड रोम में 8वें महीने का सिक्योरिटी पैच है और कर्नल आप कोई सा भी अच्छा वाला यूज़ कर सकते हैं। तो ये हो गई दोस्तों रोम की इन्फॉर्मेशन। अभी दोस्तों हम डायरेक्टली बग्स की बात नहीं करेंगे, सबसे पहले दोस्तों इस रोम के चेंजेस की बात करेंगे, यानी कि इस अपडेट में आपको क्या क्या नया मिलने वाला, क्या क्या फीचर MIUI ने ऐड किए। तो सबसे पहले दोस्तों, यहाँ पर जो फॉन्ट है वो MIUI ने शायद चेंज कर दिया है। यहाँ पर आप देख ही सकते हैं फॉन्ट है वो आपको अलग देखने को मिलते हैं। ये दोस्तों प्री इंस्टॉल ही आते हैं, यानी कि आप जैसे ही रोम बूट करते हैं तो आपको ये देखने को मिल जाएंगे पूरे सिस्टम में। दोस्तों ये ही फॉन्ट आपको देखने को मिल जाएंगे, शायद दोस्तों MIUI 11 में भी ये आने वाला है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर डार्क मोड है, उसका ऑप्शन भी आपको यहाँ पर क्विक सेटिंग में देखने को मिल जाएगा। और दोस्तों इसमें कोई भी आपको दिक्कत नहीं आएगी, यानी कि सिस्टम वाइड आप कहीं पर भी इसको एक्टिवेट कर सकते हैं। उसके बाद दोस्तों कई सारे और भी चेंजेस MIUI ने किए हैं। यहाँ पर दोस्तों ऐप ड्रॉअर है, उसमें आपको जो है वो जो नोट्स का ऑप्शन आता था वो यहाँ पर चेंज हो गया है, यानी कि पहले जो था और जैसे ही आप नोट्स पे क्लिक करते थे तो वो वहीं के वहीं ओपन हो जाता था छोटा सा, और उसमें ही आपको सब नोट है वो टाइप करने पड़ते थे। पर दोस्तों अभी ऐसा नहीं है, अब आप चाहे उतना नोट्स इसमें ऐड कर सकते हैं। यहाँ पर आप देख ही सकते हैं, जैसे ही आप इस पर टैप करेंगे तो नोट्स का जो एप्लीकेशन है वो अपने आप ही ओपन हो जाएगा और यहाँ पर आप अपने नोट्स को ऐड कर सकते हैं। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर जो सिक्योरिटी है उसका लेआउट चेंज हो गया है। यहाँ पर मैं आपको दिखा देता हूँ, इसका जो टोंगल वगैरह जो भी है ऑप्शन है वो चेंज हो गया है, और यहाँ पर आपको कई सारे नए ऑप्शन भी देखने को मिल जाएंगे, और यहाँ पर जो पुराने ऑप्शन है उसको बेहतर तरीके से ऐड किया गया है। यहाँ पर दोस्तों कैटेगरी वाइज आपको सब कुछ जो मिल जाएगा, यानी कि टूल से, क्लीनर वगैरह है, ऐप से, जो भी है वो आपको कैटेगरी में देखने को मिल जाएगा। आप जो भी चाहे वो उसको डायरेक्टली एक्सेस कर पाएंगे। तो ये काफ़ी अच्छा नया फीचर आपको इसमें देखने को मिलेगा। यहाँ पर दोस्तों बैटरी में जो अल्ट्रा सेविंग मोड था वो भी ऐड कर दिया है, तो आप इसको भी यूज़ कर सकते हैं, कोई भी यहाँ पर इशू नहीं है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर कैलेंडर है, उसका UI भी चेंज हो गया है। यहाँ पर दोस्तों मी रूम का बिल्ड है तो यहाँ पर चाइनीज़ लैंग्वेज इसलिए आ रही है। ये दोस्तों MIUI का बग है, कोई भी ऐसा बग नहीं है कि इसको डायरेक्टली आप फिक्स कर सकते हैं। ये दोस्तों MIUI की तरफ से आया है, तो MIUI ही अगले अपडेट में इसको फिक्स कर देगा। बाकी दोस्तों इसमें आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। यहाँ पर आप देख ही सकते हैं, जैसे ही आप इसको स्क्रॉल करते हैं तो यहाँ पर जो भी नोटिफिकेशन है जिस भी डेट की वो आपको यहाँ पर दिख जाएगी। तो ये काफ़ी अच्छा फीचर है वो MIUI ने इस बार आपको दिया है। अब दोस्तों मैं आपको ये बता देता हूँ मी रूम ने क्या ऐड किया है इसमें। तो इस अपडेट में दोस्तों एक आपको नई सी थीम मैनेजर में थीम देखने को मिल जाएंगी जो कि MIUI 11 बेस्ड है। तो डायरेक्टली आप थीम में जाके यहाँ से अप्लाई कर सकते हैं। आपको यहाँ पर कोई भी थर्ड पार्टी की कोई भी एरर नहीं आएगी, कुछ भी नहीं आएगी, क्योंकि मी रूम है वो ऑफिशियली जो है वो थर्ड पार्टी थीम भी सपोर्ट करता है। तो आप यहां से कोई भी थर्ड पार्टी थीम है उसको भी डायरेक्टली जो है वो अप्लाई कर सकते हैं। तो बस दोस्तों इस अपडेट में आपको इतने सारे फीचर जो है वो न्यू मिलेंगे। अभी दोस्तों हम बात कर लेते हैं बग्स के बारे में। तो दोस्तों यहां पर सब कुछ ऑलमोस्ट वर्क कर रहा है, यानी कि वोल्टी वर्क कर रहा है, कैमरा वर्क कर रहा है, और क्विक सेटिंग में भी सब कुछ ऑलमोस्ट वर्क कर रहा है। फिर भी दोस्तों अगर आपको कोई भी दिक्कत आ रही है, कोई भी प्रॉब्लम आ रही है, तो आप मुझे डायरेक्टली कॉन्टेक्ट करके या फिर कमेंट सेक्शन के थ्रू आप मुझे जो भी आपका प्रॉब्लम है वो बता सकते हैं, तो मैं उसको फिक्स करने की ट्राई करूंगा। बाकी दोस्तों इस अपडेट में मैंने जो ऐप फ्रीजिंग का प्रॉब्लम था उसको भी फिक्स करने की ट्राई की है। अगर फिर भी आपको प्रॉब्लम आ रही है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। तो दोस्तों अगर आपको ये रोम अच्छी लगी है तो इसको डाउनलोड करने के लिए आपको डिस्क्रिप्शन में सारे लिंक्स वगैरह मिल जाएंगी। तो मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।